अभी खड़े हैं उस जगह पर जो पूर्णिया के भट्टा बाजार की मुख्य जगह है, और प्रायः इस जगह पर अगर आप आते तो आपको हरी भरी सब्जियों से यह जगह भरा हुआ नजर आता और चारों ही तरफ आपको हरियाली नजर आती। लेकिन आज जब आप यहां आकर देखेंगे तो पूरी तरह से वीरान है, और जितनी भी दुकानें थी सारी की सारी दुकानें लगभग जल सी गई हैं। रात में करीब 11 बजे 11.30 बजे के आसपास अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद लपटें इतनी बढ़ती चली गई कि अधिकांश दुकानों में आग लग गई और उसको बुझाने का प्रयास किया गया। अग्निशमन के लोग पहुंचे, स्थानीय लोग भी पहुंचे, बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक अधिकांश चीज़ें जलकर राख हो चुकी थी। करीब 3 घंटे तक लोगों ने काफ़ी प्रयास किया बुझाने का, और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब्जी मंडी का जो नज़ारा है वो पूरी तरह से बदल चुका था। मैं खासतौर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये नज़ारा है वो उस जगह की जहाँ सब्जियाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, तमाम चीज़ें जल गई हैं, अभी भी कुछ जगह से धुआं उठ रहा है, और जिस तरह से जानकारी मुझे दी गई है कि 77 दुकानें जली हैं, और उसको बुझाने के लिए अग्निशमन दस्ते के लोगों को काफ़ी प्रयास करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय लोगों ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई और आग को बुझाने के लिए जो भी संसाधन उन लोगों के पास मौजूद था उससे प्रयास करके आग को बुझाने की कोशिश की, और करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके कारण आसपास के जो दुकानें हैं वो तो बच गई, लेकिन जो सब्जी मंडी की दुकानें हैं लगभग 77 दुकानें वो पूरी तरह से जल गई है। और कहा जा रहा है कि करीब 1 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, तो इस तरह का एक अनुमान अभी लगाया गया है, लेकिन इसका सही आकलन प्रशासन की टीम के द्वारा किया जाएगा, और वो उसमें प्रशासनिक अधिकारी जुट भी गए हैं। अभी पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सीओ और जो संबंधित अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, और उन लोगों ने मुआयना करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को लिस्ट भेजने की बातें कही है, और कहा है, भरोसा दिया है कि बहुत जल्द पीड़ितों को जो उचित सहायता होती है वो दिया जाएगा। लेकिन ये लोग अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को तत्काल जीने के लिए कुछ न कुछ राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका परिवार चल सके, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन कमाने और खाने वाले लोग हैं, और उनकी जो दुकानें हैं पूरी तरह से जल गई हैं, तो ये आज क्या खाएंगे। तो इसलिए प्रशासन से इन लोगों ने खासतौर से एक रिक्वेस्ट रखा है, निवेदन रखा है कि तत्काल कुछ न कुछ सहायता राशि मुहैया कराई जाए। एकदम गरीब से गरीब दुकानदार है, महिला लोग है, चाय बेचता है, सब्जी बेचता है, उन लोग को अभी तत्कालिक आज कुछ भी मदद हो जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा, और दुकान हमको पक्का का चाहिए। बिजली का तार जो झूल रहा है उसको सही करे, बिजली के कारण ही आग लगती है, ये जो प्रशासन का ढिलाई से होता है, और न शौचालय है, न शुद्ध पीने का पानी है, न साफ सफाई है, जो 2 ठो नगर निगम के द्वारा 2 ठो सफाई कर्मी हर हमेशा भट्टा हटिया में रहना चाहिए, जहाँ गंदा हुआ उसको उठा दो। अब बाहर का जो व्यवसायी हम लोग यहाँ का दुकानदार भूख मरता है, बाहर वाला के कमा के लेकर चल जाता है। रोड पर दुकान नहीं लगना चाहिए, ताकि आने जाने में हर आदमी को दिक्कत होता है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता है, उसको बंद करावे और जल्द से जल्द सही मुआवजा मिले। ये 30 साल से मांग हो रहा है कि दुकान जो है पक्का का बनना चाहिए, खाली ना अस्थायी मकान होना चाहिए, अस्थायी दुकान होना चाहिए, खाली आएगा तहसील के ले जाएगा 40 रुपया 50 रुपया बट्टी, इतना महंगा बट्टी भी नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ होगा, 1 करोड़ से कम नहीं हुआ होगा। एक एक गो दुकानदार का जो अभी जैसे नीरज है उसका कम से कम 20 लाख का क्षति हुआ होगा, 15 से 20 लाख का क्षति हुआ होगा, क्या पूजा दुकान था। सब्जी दुकानदार को कोई 20,000 को 50,000। हम लोग का चाय नाश्ता का दुकान है, हम लोग उसी से रोजी रोटी चलता है, हम लोग बाल बच्चा चलाते हैं। अभी तो हम लोग जो है कहेंगे कहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, यही हम लोग का जो है उम्मीद बना हुआ है, जो हम लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए, जो हम लोग बाल बच्चा को रोटी रोजी खिला सके।
रात में एको रत्ती ने बच्चा खाक हो गया है। हमारे सेनू टिकली की दुकान है, सब जल गया। हाँ जाके देख लीजिए। क्या नाम है आपका? सीता मुस्मात। इन लोग का मांग है कि हम लोग का जो जला है क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, उसके लिए हम लिस्टिंग कर लिए हैं। सुबह से भिड़े हुए थे, सारा लिस्टिंग कर लिए हैं। लिस्टिंग करके हम लोग आपदा को अभी तुरंत सबमिट करेंगे। आपदा से आदेश होगा, हम लोग पेमेंट कर देंगे, पैसा बाद में आते रहेगा, लेकिन हम लोग अपना दूसरे फंड से डाइवर्ट करके देते हैं। पता चला क्या वजह था आग लगने का? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। क्षति अनुमानित हुआ है? अनुमानित क्षति तो कैसे अनुमान किया जाए, 77 मैंने दुकानदार का क्षति है। किसी का छोटा सब्जी मंडी है, किसी का थोड़ा बड़ा सब्जी मंडी है, किसी का जो है वो मुर्गा का दुकान था, फिर पूजा वाला दुकान था, ये सब छोटे छोटे व्यवसायी थे। एकदम निश्चित रूप में जो भी प्रोविजन है सारा मिलेगा। देखिए किस तरह का नज़ारा है, पूरा वीरान हो चुका है, सारी चीज़ें जल चुकी हैं। तो ये देखने में अपने आप दिल दहलाने वाला दृश्य है कि आग की घटना में ये क्या कुछ यहाँ हो गया है। पूर्णिया का भट्टा बाजार की जो सब्जी मंडी है, ये सबसे बड़ी मंडी पूर्णिया का माना जाता है, और यहाँ आप कह सकते हैं कि ऐसी सब्जियाँ भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगी जो अन्य जगह पर नहीं मिल पाती हैं आसानी से, लेकिन आप भट्टा बाजार जब आते तो यहाँ आपको मिल जाती। तो वो जगह अभी वीरान है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रदर्शन के दरमियान जो बातें कही गई, उनमें एक बात ये भी कही गई कि इस जगह की पक्कीकरण नहीं कराई जा रही है। जो दुकानें हैं वो कच्ची की दुकानें हैं, और इसीलिए शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं की गई, और दुकान पक्की नहीं किया गया, और इसके लिए कई मरतबा आवेदन भी नगर निगम को दिया गया, बिजली विभाग को दिया गया, लेकिन विभाग ने इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाया, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि 77 दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया है, और जो पीड़ित परिवार हैं वो रातों रात सड़क पर आ गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार नगर निगम के अधिकारी यहाँ आते रहे हैं, उन लोगों से डिमांड होता रहा है, और वो लोग जो बट्टी होता है, जो टैक्स होता है, वो वसूल के जाते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसी का खामियाजा है कि आज यहाँ लगभग 77 दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं, और कुछ युवा यहाँ कुछ हैं मौजूद, इन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कैसे आग लगी है और क्या इसका मुख्य वजह रहा? देखिए, सबसे पहला बात है कि बिजली विभाग के द्वारा भी कुछ खामियां हैं कि अचानक से नंगा तार है, इसकी शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है यहाँ पे भीषण आग लग गई, और आग लगने के क्रम में ऐसा कि भीषण आग की मतलब कोई अंदर आ ही नहीं सक रहा था। तो हम लोगों ने लगभग 11:50 या 45 पर हम लोगों ने अंदर आया और देखा कि जहाँ तक नुकसान हो पाया और जो बचाने लायक है उसे बचाया, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगभग 20 के बाद यहाँ पर आ गई, और सब लगभग दुकानदार तो देख ही रहे यहाँ पर खाक हो गया, और जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी दुखद है। और जैसे कि देख रहे हैं कि सब प्रदर्शनकारी बैठे हुए, लेकिन उन लोगों का भी मांग है कि हमारे जिला पदाधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग भी जानने के छुट्टी पे, लेकिन जिनको चार्ज दिया गया है वो कम से कम यहाँ आकर अपने स्थिति देखे। लेकिन माननीय सांसद आए हुए थे, विधायक जी भी आए हुए थे, मेयर साहब भी आए हुए थे, उन लोगों ने CO साहब को भेजे और जा कर करके सभी हालात उनको भी मुहैया करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबों का कमी है इसलिए। अच्छा, यहाँ की जो दुकानें हैं उसकी पक्कीकरण की मांग कब कितने दिनों से की जा रही है? लगभग हम लोग को तो पता है कि 15-20 साल से उनकी मांग कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी सूचना नहीं दिया जा रहा है, और अवैध रूप से लगता है बट्टी भी जिस हिसाब से उछला जाता है ना किसी प्रकार के। देखिए, महिला आती है, यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था नहीं है, और जा करके देखिए कोई भी आएगा मार्केट तो मार्केट में शौचालय होना ही चाहिए, और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पक्कीकरण होना अति आवश्यक है। क्या लग रहा है कि आप लोग सब्जी खरीदने यहाँ आए थे कि किस उद्देश्य आए थे? यहाँ तो हम लोग रात की घटना व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पता चला, इसलिए देखने आए किस तरह का क्षति है यहाँ, और इस तरह का अगर यहाँ पे हुआ है तो कानून अपनी प्रक्रिया ले, और जो भी अभी DM है यहाँ के प्लॉट पर आके नोटिफिकेशन करे और इन्हें सहयोग राशि दिया जाए, नगर निगम के भी ओर से और बिजली विभाग के भी ओर से। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो देखने के लिए आए हैं, जानकारी मिलने के बाद तमाम लोगों का यही कहना है कि जो सहायता होनी चाहिए इन लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग की भी दुकान है इसमें क्या? आप लोग देखने आए हैं? ये तमाम लोग देखने आए हैं।
और सही जानकारी जब लोगों तक पहुंच रही है तो लोग देखने के लिए निश्चित रूप से यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति है पूर्णिया के भट्टा बाजार का, जो मुख्य सब्जी मंडी है उसका ये नज़ारा आप देख रहे हैं, किस तरह से वीरान हो चुका है। अभी भी बहुत जगह है जहाँ से धुआं उठ रहा है और ये नज़ारा दृश्य ही बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ रात में क्या क्या हुआ और रातों रात कैसे दुकानदार सड़क पर आ गए। मैं खासतौर से बता दूं कि उस वक्त भी कोसियालो की टीम यहाँ मौजूद थी और हमारे पास लाइव तस्वीरें भी हैं, हम उन तस्वीरों को भी आपको दिखा रहे हैं और आप एक तरफ उन तस्वीर को देख रहे हैं जिसमें आग लगी हुई थी और एक तरफ उस तस्वीर को देख रहे हैं जो आग लगने के बाद का नज़ारा है, जब आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं और कितनी क्षति हुई है साफ साफ दिख रहा है। तो आप उस तस्वीर को भी देख रहे हैं, तो ये सीधा आप कोसी आलोक न्यूज के माध्यम से दोनों ही तस्वीरें देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त का क्या नज़ारा यहाँ रहा होगा और कितनी क्षति हुई है और लोगों में कितनी निराशा है, कितने लोग सड़क पर आ गए हैं। ये अपने आप में एक दुखद घटना है, दिल दहलाने वाला घटना है। ये इत्तेफाक रहा कि उस वक्त जिस तरह का नज़ारा था किसी की जान नहीं जा गई, लेकिन जो सामान है वो काफ़ी क्षति हुई है, कैश भी जला है, तो उसका एक आकलन किया जा रहा है। सब्जी मंडी की जो अधिकांश दुकानें हैं वो पूरी तरह से जल गई हैं और एक बार अब हम यही कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उन तमाम लोगों को पूर्णिया सीओ की ओर से भरोसा दिया गया है कि अब आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो भी सहायता होगी उन्हें तत्काल मुहैया कराया जाएगा। लेकिन कब तक इन लोगों को मुआवजा मिल पाता है, सहायता मिल पाती है, ये प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात ये है कि जो दैनिक रोजी रोटी चलाने वाले थे, दिन में कमाना खाना उनके हाथ का था, उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है और उनकी काफ़ी क्षति हुई है और वे सड़क पर आ गए हैं, तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी ये प्रशासन के लिए और समाज के लिए भी एक बड़ी बात है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि भरोसा ज़रूर दिया गया है लेकिन कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों के मनसे पर निर्भर करता है कि वो कब तक इसको ठीक कर पाते हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ ये डिमांड किया गया है कि ये जो दुकानें हैं इसकी पक्कीकरण की जाए, 20 वर्षों से ये डिमांड है। अब सब जो वरीय अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो ध्यान है इस ओर आकृष्ट हुआ है और भरोसा दिया गया है कि दुकान की पक्कीकरण की जाएगी, लेकिन वो कब तक हो पाता है ये भी प्रशासनिक अधिकारियों पर ही निर्भर करेगा। कोसियालो के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।